वेलकम बैक टू गाइस इंग्लिश टॉय स्टोरी एंड स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। तो गाइस वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर ले जिससे आने वाले हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर बिना किसी देरी के, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज का जो टाइटल है वो द मैजिक टर्टल यानी कि जादू कछुआ। इसे जादू कछुआ ना बोलकर हम इसे ज़्यादा सुटेबल यह होगा कि इसे हम जादुई कछुआ बोलेंगे, जादुई कछुआ द मैजिक टर्टल। तो आइए स्टोरी की ओर आगे बढ़ते हैं। हरी हैड अ फ्लूट दैट He used to play whenever he was very sad or happy। यानी कि हरी, डायग्राम में देखने से यह पता चलता है कि हरी एक बॉय है अर्थात एक लड़का है। यानी कि हरी हैड अ फ्लूट यानी हरी के पास एक, फ्लूट का अर्थ होता है बांसुरी, तो हरी के पास एक बांसुरी था दैट जो कि ही यूज टू यानी ऐसा किया करता था यानी कि ही यूज टू प्ले वो बजाया करता था वेन एवर जब भी ही वॉज वेरी सेड और हैप्पी यानी कि उसे तब बजाया करता था जब वह तो या तो ज़्यादा दुख होता था यानी कि ज़्यादा दुखी होता था या वह ज़्यादा खुशी होता था। अर्थात हरी के पास एक फ्लूट था अर्थात बांसुरी था और उसे वह तभी यूज करता था बजाने के लिए जब वह या तो ज़्यादा दुखी होता था या वो ज़्यादा खुश होता था। आइए आगे देखते हैं। टुडे वॉज अ सैड डे यानी कि जो आज का दिन था वो सैड यानी कि नाराज वाला दिन था। किसके लिए? हरी के लिए। यानी कि जो आज का दिन था वो हरी के लिए यानी दुख का दिन था या सैड का दिन था। बिकॉज ही गोट हीज स्कूल रिपोर्ट एंड ही हैज़ नॉट डन वेल एट ऑल। अब देखिए, अब उसका आज का दिन जो था वो नाराज था। अब क्यों नाराज था? क्योंकि बिकॉज ही गोट उसे प्राप्त हुआ था हीज स्कूल रिपोर्ट यानी कि उसका स्कूल से रिजल्ट आया होगा, रिपोर्ट अर्थात रिजल्ट आया होगा एंड ही हैड नॉट डन वेल और जो अपना रिजल्ट था उसका उन्होंने कुछ खास अच्छा नहीं किया होगा तो वो उसके लिए ख़राब दिन हो गया यानी कि अपने रिजल्ट में अच्छा नहीं कर पाया इसके लिए वो उसका दिन ख़राब हो गया। अब आगे देखते हैं। ही वेंट टू यानी वो चला गया अ रिवर बैंक एंड स्टार्टेड प्लेइंग अ सैड ट्यून यानी कि ही वेंट। अब देखिए कौन चला गया, ही किसके लिए आ रहा है, ही ये हरी के लिए आ रहा है। ही वेंट टू यानी कि पास्ट है तो वो चला गया अ रिवर बैंक यानी कि एक नदी के किनारे चला गया एंड स्टार्टेड और उन्होंने शुरू कर दिया प्लेइंग बजाना अ सैड ट्यून यानी कि एक दुख ही धुन बजाना यानी कि एक सैड ट्यून बजाना शुरू कर दिया। फ्रॉम हिज फ्लूट यानी कि अपने उस बांसुरी से थिंकिंग ऑफ हिज मदर यानी कि अपनी माँ को याद करते हुए वो एक सैड धुन बजाना शुरू कर दिया। अब आइए आगे देखते हैं। ही न्यू वह जानता था कि हिज मदर वुड बी वेरी एंग्री यानी कि कौन, ही किसके लिए आया, ही हरी के लिए आया तो वह जानता था कि जो उसकी माता थी वो वुड बी वेरी एंग्री यानी कि वो गुस्सा करेगी, बहुत गुस्सा करेगी। अब रिपोर्ट यानी कि रिजल्ट उसका ख़राब हो गया तो वह जानता था कि मेरी माँ को पता चलेगा तो वो थोड़ी या बहुत गुस्सा करेगी। अब देखिए आगे क्या होता है। ही विश्ड ही हैड लिसन टू हर व्हेन शी टोल्ड हिम टू स्टडी हार्ड यानी कि देखिए अब जो हरी था वो कामना करने लगा यानी कि सोचने लगा कि शायद ऐसा हो जाता वैसा हो जाता या हम थोड़े उसमें पढ़ लेते
तो शायद पास हो जाते। ये हमारे साथ भी होता है कि जब हम एग्ज़ाम लिखते हैं और जब हमें उसका गलत रिजल्ट आता है तो हम सोचते हैं कि थोड़ी और अधिक पढ़ लिए होते तो आज शायद हम पास हो जाते या अच्छे मार्क्स हमारे आ जाते। तो यहाँ वही हरि के साथ हुआ। अब हरि ये सोच रहा है कि काश मैं अपनी माँ की सुन लिया होता जब व्हेन शी टोल्ड, यानी कि जो मेरी माँ है उसने कहा था हिम टू स्टडी हार्ड, यानी कि कड़ी मेहनत करने के लिए उन्होंने जब हमें कहा था तो शायद हमें उनकी बात को मान लेना चाहिए था, तो शायद आज हमारा जो रिपोर्ट कार्ड है वो शायद अच्छा होता, यानी ख़राब नहीं होता, कुछ अच्छा होता। अब आइए आगे देखते हैं। सडनली ही हेयर्ड अ वॉइस व्हेन ही लुक अप, यानी कि अचानक ही किसे हरि को हियर्ड यानी कि सुनाई देता है अ वॉइस व्हेन ही लुक्ड अप, यानी कि जब जो हरि है वो ऊपर की ओर देख रहा था तो उसे एक अचानक आवाज़ सुनाई देती है। आइए आगे देखते हैं। ही सॉ अ ह्यूज टर्टल स्विमिंग टूवर्ड हिम, यानी कि अब वो देखता है कि एक ह्यूज, यानी ह्यूज का अर्थ होता है बड़ा, तो अ ह्यूज टर्टल, टर्टल का अर्थ कछुआ होता है, स्विमिंग यानी तैरना टूवर्ड हिम, यानी कि उन्होंने यह देखा कि एक बड़ा कछुआ तैरते हुए उसकी ओर आ रहा है। आइए आगे देखते हैं। द टर्टल आस्क हरि व्हाई ही वॉज प्लेइंग अ सैड ट्यून ऑन हिज फ्लूट, यानी कि अब देखिए, अब स्विमिंग करते हुए जो कछुआ है वो उसके पास आता है एंड द टर्टल आस्क, यानी और टर्टल जो है कछुआ है उनसे पूछता है, यानी कि आस्क का अर्थ कहना भी होता है लेकिन यहाँ जो सेंस है वो पूछना है। तो जो कछुआ है वो हरि से पूछता है कि व्हाई ही वॉज, क्यों तुम प्लेइंग यानी कि बजा रहे हो अ सैड ट्यून, यानी कि एक दुखी टोन या दुखी ट्यून या धुन क्यों बजा रहे हो, ऑन हिज फ्लूट अपने बांसुरी से। अब देखिए हरि क्या बोलता है। हरि टोल्ड हिज स्टोरी, यानी कि जो हरि है वो कछुए से सारा अपना जो स्टोरी है कि आज ऐसे से मेरे साथ हुआ, आज जो रिपोर्ट कार्ड है वो मेरे लिए आया एंड उसमें मैं कुछ खास अच्छा नहीं कर पाया, इसके लिए मैं नाराज़ हूँ और मैं यहाँ आकर सैड ट्यून बजा रहा हूँ, यानी कि सारा स्टोरी बता देता है। अब देखिए फिर आगे क्या होता है। हरि टोल्ड द टॉर्टोइस, यानी जो हरि है वो अब कछुए से बोलता है। आई हैव, यानी वी ई का ये शॉर्ट फॉर्म है, यानी कि हैव का शॉर्ट फॉर्म भी है, तो आई हैव कौन, आई किसके लिए है, आई ये है वो हरि के लिए है। तो अब देखिए आई हैव डिसाइडेड, ये हरि बोलता है कि मैंने डिसाइड कर लिया यानी कि मैं निश्चित कर लिया या निश्चय कर लिया नोट टू शो माय रिपोर्ट कार्ड टू माय मदर, यानी कि जो हरि है वो कहता है कि हमने निश्चित यानी कि निश्चय कर लिया या निश्चित हूँ या निश्चय कर लिया कि मैं जो अपना रिजल्ट है वो अपने यानी माँ से शेयर नहीं करूँगा या मैं उसे नहीं दिखाऊँगा। अब देखिए आगे क्या होता है। दैट्स नॉट द राइट थिंग टू डू, यानी कि जो कछुआ है वो कहता है कि ऐसा करना एक अच्छी सोच नहीं है। ये कौन बोलता है, कछुआ बोलता है, किससे, हरि से। यू मस्ट टेल योर मदर द ट्रूथ एंड प्रोमिस हर कि दैट यू विल डू बेटर नेक्स्ट टाइम, यानी कि देखिए अब यहाँ कछुआ बोलता है कि तुम्हें अवश्य ही टेल यानी कि बोलना चाहिए अपनी माँ से द ट्रूथ, यानी कि जो भी सच्चाई है तुम्हारे रिपोर्ट कार्ड का वो अपनी माँ से अवश्य ही शेयर करना चाहिए। ये कछुआ बोलता है यानी जो कुछ भी सच्चाई है वो अपनी माँ से शेयर करना चाहिए और अपनी माँ से वादा करना चाहिए कि वो अगले टाइम इससे बेटर करेगा यानी कि अच्छा करेगा। अब आगे देखते हैं। इट्स नेवर टू लेट टू मेंड योर वेज, यानी यहाँ कहने का अर्थ है यानी जो कछुआ है वो हरि से कहता है
कि अपने तरीके सुधारने में कभी देर नहीं होती। ये कौन बोलता है? ये कछुआ बोलता है कि अगर आपको कोई भी गलत आदत पड़ जाती हो तो अपने आदत को सुधारने में ज़्यादा टाइम नहीं लगती। ये कौन बोलता है? ये कछुआ बोलता है। सेड द टर्टल, देखिए यहाँ बोला गया है कि ये कछुआ बोलता है किससे? हरी से। एंड डोंट वरी, और चिंता करने वाली कोई बात नहीं है या चिंता मत करो। कंटिन्यू द टर्टल, और जो टर्टल है वो कंटिन्यू आगे बोलते रहता है। फिर आगे देखते हैं कि क्या होता है। आई एम अ मैजिकल टर्टल, यानी कि जो टर्टल है वो कंटिन्यू बोलता है और कहता है कि मैं एक जादुई कछुआ हूँ। आई विल हेल्प यू इन योर स्टडी, मैं तुम्हारे स्टडी यानी कि पढ़ाई में हेल्प करूँगा, मदद करूँगा। बट ओनली इफ़ यू प्ले द फ्लूट फॉर मी एवरी इवनिंग, यानी कि जब जो मैजिकल टर्टल है वो कहता है कि मैं तुम्हारे स्टडी में हेल्प करूँगा, लेकिन तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या आप करना पड़ेगा वो बताया है। वो कहते हैं कि तुम्हें प्रत्येक इवनिंग यानी एवरी डे इवनिंग को तुम्हें हमारे लिए क्या फ्लूट बजाना होगा। ये कौन बोलता है? ये टर्टल बोलता है किससे? हरी से। बट ओनली इफ यू प्ले द फ्लूट फॉर मी एवरी इवनिंग, यानी कि प्रत्येक शाम को ये फ्लूट बजाने के लिए कछुआ बोलता है, किसके लिए? अपने लिए। अब आगे देखते हैं। हरी वॉज डिलाइटेड टू हियर, यानी कि जो हरी है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है टू हियर ये सारी बातें सुनकर कि जो टर्टल था उन्होंने यह बोला कि मैं एक जादुई कछुआ हूँ और मैं तुम्हें स्टडी करने में हेल्प करूँगा। ये सारे सुनकर वो खुश हो जाता है। द अश्योरेंस, यानी कि जो ये हरी है वो आश्वासन देता है फ्रॉम द टर्टल यानी टर्टल से एंड प्रोमिस, और उससे वादा भी करता है टू वर्क हार्ड करने के लिए, यानी कि कड़ी मेहनत करने के लिए वो प्रोमिस वादा भी करता है। एंड कम टू द रिवर बैंक, यानी कि और इसके लिए भी वादा करता है कि वो प्रत्येक दिन रिवर बैंक यानी कि नदी के किनारे आएगा एवरी डे टू प्ले हिज फ्लूट फॉर द टर्टल, यानी कि टर्टल के लिए यानी कछुए के लिए अपने फ्लूट को बजाने के लिए यानी कि बांसुरी को बजाने के लिए वो प्रत्येक दिन इस रिवर बैंक यानी कि नदी के किनारे आएगा। ये वादा करता है किन से? ये टर्टल से। तो गाइस हमारा स्टोरी यहीं पे समाप्त होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। ये हरी है एंड ये बैठकर यहाँ अपना बांसुरी बजा रहा है, एंड ये टर्टल है जो नदी से बाहर आकर इनसे बातें कर रहा है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।